हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। दिस इज दिवान गोगोई। आज हम बात करेंगे जिंक पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड और मार्केट रेंज, और देखेंगे जिंक क्या होने वाला है उसका ओवर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जिंक आज पिवट पॉइंट 188.2, फर्स्ट सपोर्ट 185 एंड सेकेंड सपोर्ट 181 एंड थर्ड सपोर्ट 178, फर्स्ट रेजिस्टेंस 191 एंड सेकेंड रेजिस्टेंस 194 एंड थर्ड 197 रेजिस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने 4 आवर का चार्ट लिया। तो अगर पहले आप डेली चार्ट में देखेंगे तो मार्केट ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है डेली में। तो यहाँ पे जो एक प्रीवियस लोअर लो था उसको ब्रेकआउट किया, लोअर हाई को ब्रेकआउट कर नहीं पाया, फिर से एक लोअर लो बनाया और मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट हो गया। तो रिट्रेसमेंट में देख सकते हैं आप, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना आया, जो सपोर्टिंग लाइन 150, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन 150, वहाँ तक जाके फिर से थोड़ा बहुत करेक्शन दिया। तो अगर हम देखेंगे तो ये करेक्शन कितना हो सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 161, तो हमें लगता है 161 में आएंगे आपका 194 तक मार्केट रिट्रेसमेंट दे सकता है यहाँ पर, राइट। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए इसको डाल देता हूँ, तो 161, तो 161 रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो 4 आवर में देखें, तो 4 आवर में देखेंगे तो हम क्या कितना बोला, 161 टू रिट्रेसमेंट आ सकता है यहाँ पे। लेकिन बात यहाँ पे थोड़ा कंफर्म हो रहा है, वो डेली में डाउन ट्रेंड है लेकिन उसको हायर हाई बना के एक लोअर बनाए। तो मुझे लगता है इसको अगर देखेंगे इसको ब्रेकआउट कर पाएगा या नहीं पाएगा, राइट। तो इसलिए अगर 4 आवर में देखें तो इसमें जो प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, वो 200 का मूविंग नीचे, मूविंग एवरेज का नीचे आया था, फिर से ये लोअर हाई, लोअर हाई एंड हायर हाई बना के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसमें लॉन्ग पोजीशन के लिए मुझे लगता है तो मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए, जो डाउन ट्रेंड था वो कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे अगर 15 मिनट में देखें तो 15 मिनट में मार्केट हायर हाई बना के जा रहा है और यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन में है। तो यहाँ से जो लोअर पॉइंट था यहाँ पे देख सकता है, यहाँ पे लोअर पॉइंट इसको ब्रेकआउट कर नहीं पाया, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना दिया है यहाँ पे। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के फिर से मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है ये मार्केट अगर ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमें इसमें मैं इसको हटा देता हूँ। अभी 15 मिनट में देख सकते हैं आप, तो 15 मिनट में आप देखेंगे तो आप अगर इस वेव को काउंट करें जो लॉन्ग पोजीशन में है, तो इसमें देख सकते हैं 123, तो आज रेजिस्टेंस 1 दिखा रहा है, तो 193 तक मार्केट जाने का चांसेस है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।